एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं ये वाला लुक आपको क्रिएट करके दिखाऊंगी। अभी गणेश पूजा होगी, गणेश पूजा के लिए आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगेगा। सिंपल सा है, एकदम से सिंपल चीज़ों से किया है, मतलब ज़्यादा प्रोडक्ट कुछ भी यूज़ नहीं किया है, किया हुआ है इसमें। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये मेरे वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अभी मैंने अपने फेस पर कुछ भी नहीं लगाया है, तो सबसे पहले मैं यहाँ सीरम लगाऊंगी। मैं यहाँ गुड वाइब्स का सीरम यूज़ कर रही हूँ। सीरम लगाने के बाद मैं यहाँ मैंने बेबी क्रीम दी हुई है। आप यहाँ चाहे तो कोई भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी सीसी क्रीम यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो यहाँ बेबी क्रीम यूज़ की है क्योंकि मैं ये नॉर्मल घर पर ही मेकअप कर रही हूँ। मुझे अभी कहीं मतलब फंक्शन वगैरह में तो नहीं जाना है, इसलिए पूजा के लिए मैं बस यही लुक सिंपल से क्रीम लगाऊंगी। उसके बाद इसको पहले हाथ से ब्लेंड कर लिया है, उसके बाद थोड़ा सा ब्रश से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। उसके बाद मैं यहाँ थोड़ा सा कंसीलर लूँगी और अपने अंडर आइज़ पे लगा दूँगी इसको, जहाँ पर भी डार्क एरिया है वहाँ पर इसको लगा लूँगी। पहले इसको थोड़ी सी फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, उसके बाद ब्रश से कर देंगे। और मैं यहाँ यूज़ करूँगी कॉम्पैक्ट लैक्मे का, जहाँ जहाँ पर इसको पूरा सेट कर लेंगे फेस पर और नेक पर। यहाँ पे मैं आई शैडो पैलेट से एक लाइट कलर लूँगी और उसको यूज़ करूँगी, पूरे अच्छे से ब्लेंड करूँगी दोनों आँखों में। जब तक ये अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए, ब्रश से ब्लेंड करते रहें कि अच्छे से सेट हो जाए आँखों पर और टीज ना दिखें एक भी उस पर। तो ये लाइट कलर लेने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा डार्क कलर लूँगी, कोई भी ब्राउन शेड ले सकते हैं, कोई भी डार्क कलर ले सकते हैं, और ये किनारों पर उसको कर दूँगी, उसको भी अच्छे से ब्लेंड करेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा लाइट कलर लेके यहाँ फ्रंट आइज पे थोड़ा सा कर दूँगी, हाईलाइट दिखे ताकि। मैं थोड़ी सी आईब्रो भी सेट कर लूँगी, ये आईब्रो इग्नोर कीजिएगा, ये सेट नहीं है क्योंकि, तो मैं बस पेंसिल से इसको थोड़ा सा कर लूँगी सेट। उसके बाद मैं यहाँ आईलाइनर यूज़ करूँगी, आईलाइनर तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, यहाँ मैं काजल से अपनी आईलाइनर बनाऊँगी।
और ये वाटर लाइन भी इसी काजल से कर लेंगे डार्क। मैं यहाँ थोड़ी सी डार्क कर रही हूँ, आप चाहें तो थोड़ा सा लाइट भी कर सकते हैं, डार्क भी कर सकते हैं, बट मुझे थोड़ा डार्क पसंद है तो मैं यहाँ डार्क कर रही हूँ थोड़ा सा। ये मेरी आईज मेकअप कंप्लीट हो गया है, वहाँ पर थोड़ा सा ब्लश लगा लूँगी पिंक कलर का, रेड, उसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। और यहाँ पे मैंने बहुत ही थोड़ा सा हाइलाइटर लिया है, उसको थोड़ा सा नोज पे और गालों पे लगा लेंगे, थोड़ा सा लिप्स के ऊपर, जहाँ जहाँ मुझे लगता है हाईलाइट करने की ज़रूरत है मैं वहाँ यूज़ कर देती हूँ उसको। उसके बाद मैं लिप्स पर पहले ही मॉइस्चराइजर करके रखी थी, तो मैं यहाँ पे कलर वार की वो लिप लाइनर यूज़ कर रही हूँ। ये काफ़ी अच्छा है, मतलब ख़त्म ही होने को है मेरे को, मैं काफ़ी दिनों से यूज़ कर रही हूँ। और यहाँ मैं EDS की लिपस्टिक, ये मुझे बहुत ही पसंद है, इसका कलर बहुत प्यारा है, तो मैं इसको यहाँ यूज़ कर लूँगी। मैट लिपस्टिक है, काफ़ी लॉन्ग लास्टिक है। तो देखो मैं बताओ बताना ये कैसी लग रही है मेरी लिपस्टिक, और इसका कलर बहुत ही प्यारा है, आप बताइएगा कैसा लग रहा है कमेंट करके। तो मैं यहाँ तो बिंदी यूज़ कर लूँगी, थोड़ा बड़ा सी बिंदी यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ मतलब अपनी मांग भी फिल कर लूँगी। अभी ये मैं ड्राई रोरी ही लगा रही हूँ, लिक्विड वाली आज मैंने यूज़ नहीं की है, ये थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए ये वाली अच्छी लगती है, तो मैंने आज इसे ही मांग अपनी फिल कर ली है। इसके बाद मैं यह इयररिंग पहन लूँगी अपने, तो मैं यहाँ हो गई हूँ पूरी रेडी। और देखो मैं कैसी लग रही हूँ, आप लोग प्लीज़ बताना मुझको मैं कैसी लग रही हूँ, कैसा लुक आ रहा है मेरा। और अभी मैंने अपनी हेयर स्टाइल भी चेंज कर लिया है, ये बीच की मांग से साइड की निकाल लिया है, ये मुझे ज़्यादा पसंद है, वैसे ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। आप मुझे बताना मेरे ऊपर कौन सी हेयर स्टाइल अच्छी लग रही थी। और ये है कंप्लीट, तो कमेंट करके बताना ज़रूर, तब तक के लिए बाय।